what kind of a young boy, child you were? What, I mean, you were shy, you were extrovert? I was always very psyched. और एक तरह से अंडर कॉन्फिडेंट था मैं हमेशा, और मुझे लगता था कि मैं बड़ा ही एवरेज निकलूंगा हर चीज़ में. ये आपको मैं शेयरिंग अ सीक्रेट विद यू व्हिच आई एम सेइंग आई फेल्ड इन वन सब्जेक्ट इन क्लास 2. हु वर योर अदर हीरोज इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, नेशनल लीडर्स? मेरे ग्रैंडफादर को बहुत आइडलाइज करता था. मेरे कोका जो थे वो बहुत साल अंडरग्राउंड रहे और बहुत सैक्रिफाइसेस की उनकी फैमिली ने. उनकी एक फिलॉसफी थी अनुपम जी, वो हमेशा कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हर दिन कहते. मेरे लिए जर्नलिज्म, फर्स्ट इट वाज एन एक्सीडेंट कि कुछ करना था तो जर्नलिज्म में आ गए, नौकरी चाहिए. बाद में इट बिकेम अ पैशन आफ्टर अबाउट 10 इयर्स. कई जगह में फ्रेंकली आपको बताऊं तो कोई मतलब क्या कहते हैं पहुंच नहीं थी मेरी, और जिनके साथ मीटिंग हो के नौकरी मिल सकती थी उनके साथ मीटिंग नहीं होती थी, और मैं रिसेप्शन के मतलब रिसेप्शन तक ही सीमित रहा था. आई वाज ऑलवेज स्टॉप्ड एट द रिसेप्शन. व्हेन यू से दैट आई वांटेड टू चेंज जर्नलिज्म, व्हाट डिड इट दैट यू वांट टू चेंज? आई रिमेम्बर मेनी मोमेंट्स. इफ यू टेल मी टुडे अगर इस देश के डेमोक्रेसी को बदलना है तो लोगों को मेक देम कम क्लोज टू द न्यूज. लोगों को दूर क्यों रखा जा रहा है खबरों से? करेक्ट. आप लोगों को दे रहे हैं खबर, ये लीजिए, कल मिलते हैं, यू नो. और मुझे आई फेल्ट दिस वाज वेरी फेक, वेरी आर्टिफिशियल, वेरी फॉल्स. लोगों को पास लाइए. जब एक 5 साल का बच्चा जिसका नाम था प्रिंस, वो कुरुक्षेत्र के एक गड्ढे में गिर गया, मैनहोल, ओपन मैनहोल, और एक बच्चा गिर गया, और मुझे कहा गया था कि छोटी खबर है, फोन पे बोला था मेरे एडिटोरियल टीम में, और ये हिंदी चैनल की खबर है. मैंने कहा क्या हिंदी चैनल की खबर है? तो बोला एक बच्चा गिरा है, हिंदी चैनल वाले कर रहे हैं. सर हिंदी इंग्लिश की सिस्टम मैं समझता नहीं था. 2 या 3 दिन बाद प्रिंस को बाहर लाया गया था, और उन 2 दिनों में इन द होल कंट्री नोबडी वॉज टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स बट हाउ टू सेव प्रिंस. फोन आने लगे, हमने स्क्रीन को स्प्लिट कर दी, हमने सवाल पूछा अंग्रेजी में, इज दिस द लिमिट ऑफ गवर्नमेंट एपथी? और मुझे लगता है जो मुझ में जो एक गुस्सा था 11 सालों से कि दिल्ली में मैंने पत्रकारिता देखी थी, इन्होंने किसी के बारे में सोचा नहीं था. After Republic became very successful, you became the main problem for the government at that time. सचिन वाजे ने कहा था तुमसे, तुमको चप्पल से मारेंगे, मुझे कहा इन द लिफ्ट. सचिन वाजे जो अंदर है आजकल, जो अंदर है. मैंने कहा मुझे चप्पल पहनने दो, और मुझे बोला तुमको चप्पल से ही मारेंगे, अभी तुम्हारा यही ट्रीटमेंट होगा, खुलकर कहा जा रहा था मुझे. और पूरी देश की मीडिया चुप. बहुत ज्यादा हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, आई हैव कम आउट मच स्ट्रॉन्गर आफ्टर जेल.